नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंगिया। 2019 में होने वाले आम चुनावों को लेकर देश की जनता अपना भरोसा किस दल पर जो है दिखाएगी, जताएगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी परीक्षा नए राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर है। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। मुश्किल ज्यादा बीजेपी के साथ है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा चुनौती से निपटने पर उनकी आगे की दिशा और दशा भी जो है तय होगी। जहां पर राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों और ट्रेंड की बात की जाए तो उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस उसको कड़ी टक्कर देती हुई भी नजर आ रही है। वैसे में जहां दोनों ही पार्टियां जनता को रिझाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो हमने भी उनकी नब्ज सटोलने के लिए सीधे उनसे ही बात की, यानी जनता से हम लोगों ने बात की। लगातार इंडिया न्यूज जनता के बीच में जाकर उनकी राय ले भी रहा है और इस समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। कीचड़ हुआ करते थे गांव में, आज सारे गांव कीचड़ से मुक्त हो चुके हैं। हजारों की तादाद में आसपास के गांव के लोगों को रोजगार मिला है। इनके लिए बड़ा बजट गवर्नमेंट ने 1270 करोड़ का बड़ा बजट घोषित किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी टीम उस अंता विधानसभा में पहुंची जो खुद बीजेपी और वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। हमारे संवाददाता अर्जुन सिंह राजावत ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा में विकास के कितने काम हुए। आप भी सुनिए। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही हैं और इस चुनावी यात्रा के माध्यम से राजस्थान में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस भी संकल्प रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं गौरव यात्रा को चुनौती दे रही है। आज हम राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये हाड़ोती का वो आंचल है जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद ताल्लुक रखती हैं और दुष्यंत सिंह यहीं से चुनाव लड़कर सांसद बनते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में क्या खास विकास हुआ है और हर बार चाहे कांग्रेस का शासन हो या बीजेपी का, मंत्री इस क्षेत्र को मिलता हुआ आया है, लेकिन क्या परिवर्तन इस दौरान हुए हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री राजे गौरव कर रही हैं, अभिमान कर रही हैं कि जो विकास 4.5 सालों में हुआ है वो पिछले 50 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। किस तरीके का विकास इस विधानसभा क्षेत्र को में हुआ है और क्या खास काम है जो यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा सका है? अंता विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर हमारे जो मिनिस्टर साहब है प्रभुलाल जी सैनी, उन्होंने विशेषकर गांव पे फोकस किया है। हर गांव में कोई एक गली, एक रास्ता ऐसा बाकी नहीं रहा जिसको जिसमें सीसी रोड या पेवर रोड कंप्लीट नहीं हुए। जो पहले कीचड़ हुआ करते थे गांव में, आज सारे गांव कीचड़ से मुक्त हो चुके हैं। हर पंचायत लेवल पे 60 लाख रुपए का गौरव पथ दिया है। जितने भी लिंक रोड थे जिनकी डिमांड थी कई वर्षों से, करीब करीब सब ऐसे ऐसे गांव है जो दो दो जगह से लिंक रोड से जुड़ गए हैं। मतलब कोई एक गांव में, ग्रामीण इलाके में कोई ऐसी जगह नहीं है जो जहां पे डांबर पक्की सड़क मौजूद नहीं है आज की तारीख में। उसके अलावा जो बाकी कई इससे विद्युत से विमुक्त है उनमें भी दीनदयाल ज्योति योजना के तहत सबको फ्री कनेक्शन दिया गया है। सबको हर गांव घर में लाइट पहुंचाई गई है। और जो एक और बड़ी चीज इस क्षेत्र की है, खेती और किसानी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है क्या, और कृषि मंत्री भी आपके क्षेत्र है, क्या माने कि जो किसान है उसकी जो डिमांड्स थी वो पूरी हो पाई है? क्योंकि आंदोलन भी यहीं से शुरू हुए, आत्महत्याएं भी का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अब कितना संतुष्ट किसान को माने? नहीं, अभी विशेषकर इस इलाके में लहसुन के खरीद का मामला था तो लहसुन के कांटे लगाए 3257 रुपए क्विंटल पे राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी खरीद की। उससे इतना इजाफा होगा जो मतलब लहसुन 1000 से 1200-1500 रुपए क्विंटल बिक रहा था उसका किसान को 3257 रुपए क्विंटल मिला। उससे काफी सिंबल मिला है किसानों को और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के समर्थ और दूसरी फसलों में भी समर्थन मूल्य के कांटे लग के और किसानों को राहत मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है। और हम इसकी खरीद से संतुष्ट हैं।
अगर 3257 पे इस तरह की ये खरीद नहीं होती तो किसान काफी सफर करते, परंतु राजस्थान गवर्नमेंट ने 3257 पर लहसुन के खरीद करके और आम किसानों को काफी राहत दी है। देखिए, राजस्थान गौरव पथ हो या फिर ये पूरा जो क्षेत्र है खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और उन लोगों को लाभ देने की कोशिश की और कृषि मंत्री भी इस क्षेत्र से आया। लेकिन एक और बड़ी चीज मुख्यमंत्री राजे हमेशा अपने भाषण में कहती आई है कि यहाँ जो राजस्थान के अंदर 40 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, 15 लाख राज्य सरकार ने अपने बूते पर दी और उसके अलावा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिली। युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या जो दावा है वो दावा कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आता है? इतनी नौकरियां इस क्षेत्र में मिली हैं, इस क्षेत्र में रोजगार के संसाधन बढ़ाने में कोई काम किया सरकार ने? सरकार ने किया है। यहाँ पर गड़ेपान फैक्ट्री है, उसमें नया प्लांट आया अभी, तो हजारों की तादाद में आसपास के गांव के लोगों को रोजगार मिला है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे यहाँ क्षेत्र में कोई होटल्स हैं और जैसे पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं जो सरकार से रिलेटेड हैं, तो इन पर भी एक जो गवर्नमेंट की जो निर्धारित रेट है उस पर केंद्र सरकार की दर पे वेतन फिक्स किया है, जिसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी राहत हुई है और आगे भी विकास, मतलब इसका काफ़ी स्कोप है रोजगार के जो सरकार करना चाह रही है। निश्चित रूप से रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे, लेकिन अपने हर एक क्षेत्र की खुद की एक डिमांड होती है जो कहीं ना कहीं राजनेताओं से सरकारों से अछूती रह जाती है और वो पार्टी से ऊपर उठकर होती है। कुछ अपने क्षेत्र की, हर क्षेत्र का अपना एक मुद्दा होता है जो कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है, और आप लोगों के यहाँ पे जो कैंडिडेट आते हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के बाहर के भी आते हैं। नहीं, ये तो पहली दफा हुआ है कि हमारे प्रभुलाल जी सैनी साहब बाहर से आके उन्होंने चुनाव लड़ा, परंतु चुनाव लड़के रहने के बाद में जो इन्होंने कार्य किया उसके बाद में हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये अंता के निवासी नहीं है, ये बाहर के निवासी हैं। तो उनके नेतृत्व से, इनके कार्य से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जो सबसे बड़ा कार्य था इस क्षेत्र का वह था जो ये नहरी सेक्टर है, मांगरोल सीसवाली अंता, ये सेक्टर इसमें आता है अंता सेक्टर में, तो इसमें सब जीर्ण छीर्ण हो रही थी ये अपने सीएडी की नहरें। इनके लिए बड़ा बजट गवर्नमेंट ने 1270 करोड़ का बड़ा बजट घोषित किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, वसुंधरा जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और ये कार्य प्रगति पे है। वह दिन दूर नहीं है जब सारी हमारी नहरें, माइनर जो धोरे, सब पक्के होंगे और बिल्कुल जो पानी वेस्ट होता था उसका रोक लगेगी और ज्यादा से ज्यादा पानी का सिंचाई में उपयोग हो सकेगा, ज्यादा से ज्यादा खेतों तक पानी पहुंच सकेगा। निश्चित रूप से एक और बड़ी चीज यहाँ पर है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने बूते पर इस बार फेस पॉलिटिक्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वो क्षेत्र है जहाँ से खुद मुख्यमंत्री राजे आती हैं, हाड़ौती आंचल, और अपने आप में गढ़ ये बीजेपी का माना जाता है। क्या माने कि ये गढ़ कायम रख पाएगी बीजेपी? जिस तरीके से लगातार बीजेपी के कैंपेन यहाँ पर चल रहे हैं, जिस तरीके का काम इस क्षेत्र में हुआ है, क्या ये गढ़ कायम रह पाएगा? बिल्कुल कायम रहेगा साहब, और जो गौरव यात्रा निकल रही काफ़ी उसमें जनता का सहयोग मिल रहा है, काफ़ी लाखों में भीड़ जुट हो रही है, और ये विकास जो पथ पे चली है बीजेपी वो इसी इसको बिल्कुल आगे तक बढ़ा के लेके जाएगी। ये देखने वाली बात होगी कि कितना बीजेपी इस क्षेत्र में परफॉर्म कर पाती है, लेकिन जिस तरीके से चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थन में मतदान पिछली बार भी हुआ था, और दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद चुनकर आते हैं, तो निश्चित रूप से वो बेल्ट है जो वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, उनके काफी करीब है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज़। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको हमारा खास कार्यक्रम नेताजी बोलिए। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश नेताजी बोलिए में आपका स्वागत है। साल के अंत में राजस्थान में होने वाले चुनावों को लेकर सियासत गर्म दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष को गलत बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। सत्ता वापसी की तैयारियों में लगा हुआ विपक्ष जो है लगातार जो है और भी कोशिशें कर रहा है। चुनाव नजदीक है तो ऐसे में अभी से सियासी घमासान मचना भी लाजमी है। बीजेपी एक तरफ जहां गौरव यात्रा निकाल रही है और रैलियों के जरिए सीएम राजे खुद जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, उनका दिल जीतने की जो है कोशिशें कर रहे हैं, इस कवायद में जुटी है कि जनता मान जाए। तो वहीं विपक्ष की हम बात करें, कांग्रेस संकल्प रैलियों का आयोजन कर राज्य के लोगों को
अपनी पिछली सरकार के कामों का बखान कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने अमित शाह के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पायलट ने बयान दिया और कहा कि शाह को वसुंधरा राजे और उनके विधायकों के ऊपर भरोसा ही नहीं है और इसीलिए वो जनता से पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। सरकार में और मुख्यमंत्री में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। जिस प्रकार वो वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कैंडिडेट मत देखो, एमएलए मत देखो, मुख्यमंत्री मत देखो, सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट डालो। मतलब 5 साल के वसुंधरा जी के कार्यकाल को वो गिनाने लायक मानते नहीं हैं। ये बात आज बीजेपी ने खुद स्पष्ट कर दी है। तो जो अंतर्कल है, लोग पहले उसकी अटकलें लगाते थे, अब वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। वसुंधरा जी की यात्रा में जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसके बाद संसाधन और सरकारी खर्च पर जो कार्यक्रम हो रहे थे उस पर रोक लगी है। उसका परिणाम ये है कि ना तो बिल्कुल लोग वहाँ सुनने को आ रहे हैं, और वो जो शुरुआत में सरकारी दम पर प्रशासन पुलिस के बल पर जो सभाएं होती थीं वो लगभग नाम मात्र की रह गई हैं। और मैं रोज़ मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूँ, आज तक मुझे किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला। सदन के पटन पर मुख्यमंत्री जवाब नहीं देती हैं, प्रेस वार्ता वो करती नहीं, लोगों से संवाद होता नहीं, बस की छत पर खड़े होकर भाषण देकर वो चले जाते हैं। इसलिए इसमें कोई गौरव नहीं है और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने की एक नाकाम कोशिश मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। पायलट ने ये भी कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजस्थान में पार्टी के अंदर नेताओं की कोई कमी नहीं है और उनकी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान और अन्य प्रदेशों में जहां हमारी सरकारें बनती हैं वहां चुनाव बनने के बाद बहुमत हासिल करने के बाद विधायक और केंद्र नेतृत्व तय करता है कि लीडर कौन बनेगा। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर नेताओं की कमी नहीं है और बीजेपी ने वसुंधरा जी ने अमित शाह जी का जो हाथ मरोड़ के अपना मुंह अपने नाम की चर्चा करवा ली है कि वो सीएम चेहरा होंगे, तो बीजेपी का कोई 1.5-2% चांस था फाइट करने का, वो भी चलता बना क्योंकि वसुंधरा जी का जो चेहरा है उस पर कोई वोट डालने वाला नहीं है। गौरव यात्रा की हवा निकल चुकी है और कांग्रेस पार्टी के संकल्प रैली में कल्पना से ज्यादा भीड़ जुट रही है। इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत लेकर जीतेगी और कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। जीतने के बाद जो भी विधायक महोदय और पार्टी चाहेगी उसको पद मिलेगी। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही जनता के बीच में जाकर वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश में लगे हैं। तो वहीं पार्टी की तरफ से टिकट के बड़े दावेदार भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार जनसंपर्क करने की कोशिशों कर रहे हैं, वो भी जुटे हुए हैं। एक ऐसी ही जनसभा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर दिया कुमारी महिला सम्मेलन में उनके महिलाओं को लेकर जो है उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। अभी के लिए आपको हर घर जाना है, वैसे पूरी टीम आप अपने टीम के साथ तैयार नहीं है। ये सुनीता जी आप बोल रही है कि पूछ लो आप सब तैयार हो के नहीं हो, तैयार है। देखो आप चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, चुनाव आप लोग लड़ रही है। ये सोच के लिए सोच के साथ आपको जाना है क्योंकि अगर मैं जीतूंगी तो आपकी जीत हूँ, ये समझती हो ना। इससे पहले जो भी अगले लड़ी होंगी अगर पुरुष थे ये लोग घर में बात कर रहे हैं, क्या करें आप लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं इसके खुलकर बात नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। आप मैं यही कह रही हूँ कि अगर महिला एमएलए नहीं होती तो आप झुझकते हो ना पुरुष एमएलए के पास जाने में कोई भी काम लेकर, है ना। मुझे तो आप बोल सकते हो नहीं आपको ये चीज करनी ही करनी है ना। अब किस ऐसे इतने ज्यादा उसमें तो आप पुरुष को भूल नहीं सकते, तो आप भी चाहते हो कि महिला सीएम बने, मैं भी चाहती हूँ महिला सीएम बने, और बंदे का तो मैं क्या कितने सब से बोलूँ, हिम्मत नहीं होती। मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसलिए जरूरी है कि आप मेरा साथ दें और हम सब मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाए, है ना। हम सब यही चाहते हैं। पहले सवाईमाधोपुर में जब मैं चुनाव लड़ने आई थी तो महिला टीम तो नाम के बराबर थी, लेकिन उसके बाद जब मैं बनी संतोष जी ने पूरी मेहनत की तो अच्छी टीम हमारी तैयार हो। प्रशासन पर पकड़ को लेकर सूबे के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो यहां पर आकर देख ले कि किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। पर तो उनको चुनाव में पता लगेगा कितनी है कि नहीं है, अगर उनमें ज्यादा ही बहुत उत्साह हो तो एक बार वो यहाँ आके बैठ जाए,
और वो भी अपनी पूरी ताकत यही लगा दे और मैं भी लगाता हूँ, फिर जनता इसका कंपैरिजन कर देगा कि ऑल इंडिया अध्यक्ष की ताकत ज्यादा है कि हमने 40 साल या खपाए जो ज्यादा है, उसका पता लगेगा। वही आरोप प्रत्यारोप को लेकर राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री यूनुस खान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वसुंधरा सरकार के इस कार्यकाल में वो एक मुद्दा भी नहीं ढूंढ पाए और अब अफसरों को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। सभी हमारे यहाँ के पदाधिकारियों ने, माननीय सतीश जी ने, सबने आपको बता दिया होगा, मैं तो आपसे इसलिए रूबरू हो रहा हूँ कि आज गहलोत साहब ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि साहब ये सरकार कोई काम नहीं कर रही और राजस्थान को अधिकारी चला रहे, मुख्यमंत्री का कोई स्थिति। मैं गहलोत साहब को एक बात बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता हूं, मैं भी 10 वर्षों से राजस्थान विधानसभा में बतौर सदस्य के रूप में बैठता हूं, मैंने उनको आज तक एक भी बैठक में, विधानसभा की एक भी बैठक में, उनको उनके मुंह से जनता के हित की बात कहते हुए नहीं सुना। अब तक कुल जमा 8 हाजिरियां किए हुए, कुल जमा 8 हाजिरियां किए हाउस में और उनमें भी उन्होंने एक बार भी खड़े होकर के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए या राजस्थान के लिए कभी। और आज सचिन पायलट जी और वो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो अफसरों को जेल दे, और वसुंधरा मुख्यमंत्री, वसुंधरा जी ने उन्हीं के खिलाफ वसुंधरा जी ने सुराज संकल्प यात्रा निकाली, उन्हीं के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकाली और दोनों बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक बार 120 सीटें लेके आई और अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ के 163 सीटें। और इस लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो विधायक दल का नेता बनकर फिर बनता है, तो गहलोत साहब जैसे अनुभवी आदमी अगर ये कहें कि अफसर चलाते हैं या किसी अफसर का वो नाम ले रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये लोकतंत्र का अठास है, उपहास है, इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं। गहलोत साहब खुद प्रवासी है, मैं आरोप लगा रहा हूं, मतलब दिल्ली में बैठ करके, विधानसभा में नहीं बोलते हूं, दिल्ली में बैठ करके, और वो राजस्थान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम राजे पर निशाना साधते हुए क्या कहा था। आम सभा है वहाँ पे डूंगरपुर के अंदर, बड़ी सभा है, बड़ा उत्साह लोगों के अंदर, वहाँ वहाँ की जो खबरें आ रही है बहुत उत्साह है और उसी माहौल के अंदर वो आ रहे हैं और वो बातें नहीं आ रही, अक्टूबर में आएंगे, लगातार दौरे होंगे राजस्थान का।